हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम वहाँ कवर करवा चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। जैसा मैंने इस चैप्टर में बताया था कि हमें 1950 से 1990 तक इंडियन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रेड, यही हमें पढ़ना है। शुरू के 3 पार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर थे, जिसमें हमने लैंड रिफॉर्म पढ़ा, टेक्निकल रिफॉर्म पढ़ा और एग्रीकल्चर सब्सिडीज। उसके बाद 4 पार्ट हमारा इंडस्ट्री के ऊपर था, जिसमें हमने पूरा आईपीआर 1956 के बारे में पढ़ा, जो हमारे पॉलिसी बनाई गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग। इसी के अंदर एक छोटी सी चीज और भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेड पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो हमारे आसपास हमारे को फैक्ट्रियां कारखाने दिखाई दे रहे हैं, घरों के अंदर लोग फैक्ट्री कारखाने खोलकर बैठे, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पार्ट होती है। जबकि लार्ज इंडस्ट्रीज हमारे आसपास हमें दिखाई नहीं देंगी, ये बहुत बड़े लेवल पर फैली हुई होती हैं, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत बड़े बड़े एरियाज में बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट मशीनरीज लेकर ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर पैसों की जरूरत कम होती है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल का बिजनेस होता है, और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए पता है आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, बहुत बड़े लेवल पर यहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो टेक्निक का इस्तेमाल कम कर पाती हैं, क्योंकि इनके पास पैसे कम होती है। ये बहुत बड़े लेवल पे लेबर का इस्तेमाल करती हैं, ये लोगों से काम ज्यादा करवाती हैं, जबकि बड़ी इंडस्ट्रीज में देखा गया है कि ये टेक्निक ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और लेबर का इस्तेमाल कम से कम करती है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को समझने से पहले इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं बहुत कम लेवल पे रॉ मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल करती है, ये रॉ मटेरियल बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल करती है, ये छोटी मोटी मशीनों से प्रोडक्शन करते हैं, ये बड़ी बड़ी मशीनों से प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो आमतौर पे जैसे कपड़े हो गए, कपड़े सिलना, जूते बनाना, बर्तन बनाना, डिस्पोजल बनाना या फिर खाने पीने की चीज़ें बनाना, जबकि बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखोगे प्लांट बनते हुए, मशीनरीज बनते हुए, व्हीकल्स बनते हुए, ये सब बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। तो आपको इतना डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि लार्ज स्केल छोटी इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, तो छोटी इंडस्ट्रीज का क्या रोल था आज़ादी के बाद, 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे देश के अंदर हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था। तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाने के लिए आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का ही सहारा नहीं ले सकते, बड़ी इंडस्ट्रीज तो किसी स्पेसिफिक प्लेस पर होगा, वहाँ पे थोड़े बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, और बड़ी इंडस्ट्रीज में तो आपको पता है ज़्यादातर हम लोग मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल भी नहीं पाता। अगर देश में बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार देना था तो छोटी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी तेजी से देश के अंदर फैलाना था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने क्या रोल प्ले करा हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SSI कहते हैं, टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, सबसे पहली बात ये कह रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी को क्या करता है, प्रमोट करता है, इक्वालिटी हमारे देश के अंदर लेकर आने का काम करता है, ठीक है। इन 1955 के अंदर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, जिसको कार्वे कमेटी भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज दैट पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट एंड रूरल डेवलपमेंट। इस कमेटी का काम क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना और देश में रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाना, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ द यूनिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे पहचान, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पहचानने का तरीका है कि हम उसे इन्वेस्टमेंट से पहचानते हैं, कि किसी बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके बेसिस पर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पहचानते हैं। दिस लिमिट चेंज फ्रॉम द ₹5 लाख इन 1950 के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो लिमिट थी वो 5 लाख थी, जो कि अब प्रेजेंट में अगर अभी की हम बात करते हैं तो ये 1 करोड़ रुपीज हो चुकी है। अगर 1 करोड़ रुपए तक लगाकर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आपको लिमिट भी पता चल गई होगी, किस बेसिस पर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं ये पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हाईलाइट द रोल ऑफ द इंपॉर्टेंस। कह रहे हैं कि मेरिट्स बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो, नीड बता दो, कुछ भी बता दो, सबका आंसर सेम ही है कि
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल है हमारे देश के डेवलपमेंट में। सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहा है देश के अंदर। आपको पता है कि बड़ी इंडस्ट्रीज की तरह ये लोग ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते, ये लोग ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं और ये आसानी से कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लेबर क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे लेबर का इस्तेमाल करते हैं और देश में बहुत बड़े लेवल पर आज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले नंबर का फायदा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, फर्स्ट नंबर का फायदा यह है कि देश के अंदर ये बहुत बड़े लेवल पे लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शो द लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, बड़ी इंडस्ट्रीज की तरह इनको कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं चाहिए, ये कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये इक्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं, यानी देश के किसी भी हिस्से में लगाए जा सकते हैं, जिससे हमारे देश में हर जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लगा के डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये बड़ी इंडस्ट्रीज की तरह एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं लगाई जा सकते। देखो, बड़ी इंडस्ट्रीज वहीं पे लगाई जा सकती है जहां पर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो और उसको रॉ मटेरियल आसानी से आसपास से मिल जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। तो अगर मान लो आप बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर आप लगा दोगे, एस्टैब्लिश करोगे जहां रॉ मटेरियल बहुत दूर से आएगा, तो फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी आपको। तो बड़ी इंडस्ट्रीज में दिक्कत यह है कि उसको वहीं लगाया जा सकता है जहां पर आपके पास रॉ मटेरियल आसानी से आ जाए, लेकिन ये जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, इसमें रॉ मटेरियल ज्यादा बड़े लेवल पे यूज नहीं होता, इसलिए इसे कहीं पर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो एस्टैब्लिश द क्लोज्ड सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, ये बड़ी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। बड़ी इंडस्ट्रीज वहीं लगेंगी जहां पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, लेकिन जबकि छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं पाया जाता, इसलिए छोटी इंडस्ट्रीज कहीं पर भी लगाई जा सकती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये हमारे देश के अंदर क्या होती है, इक्वालिटी लाने का काम करती है। तीसरे नंबर पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, कह रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, देयर फॉर द इक्विटी ओरिएंटेड, इसलिए हमारे देश के अंदर जो लोग थोड़े गरीब भी हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो अमीर लोग हैं वो तो अमीर है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास भी अवसर है, एक तरीके से एक चांस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से कि वो आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट बताया गया जरा एक बार हम समझ लेते हैं इसको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आने से जो छोटे लोग हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे देश के अंदर सारा पैसा कुछ खास लोगों के हाथ में नहीं होगा, यानी गरीब भी धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सहारा लेकर क्या कर सकेंगे, अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, रेदर द प्रमोट इक्वालिटी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये हमारे देश के डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में क्या करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के मुकाबले यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जिससे हमारे देश के अंदर जो कम पैसे वाले लोग भी हैं उनके पास एक चांस है कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन बड़े फायदे आप लोगों को बता दिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तीन बड़े फायदे क्या क्या होते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिग फर्म, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बड़ी फर्मों से आज बचाने की जरूरत क्यों है। इसका छोटा सा आप लॉजिक ये समझ सकते हो कि जो सामान छोटी इंडस्ट्रीज वाला बना रहा है, आपको पता है कि उसके पास ज़्यादा टेक्निक नहीं होती, वो लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। सेम वही चीज़ अगर बड़ी इंडस्ट्री वाला भी बनाने लग जाएगा तो बड़ी इंडस्ट्री वाले के पास अच्छी खासी टेक्निक होती है, उसको सामान बनाने में कॉस्ट भी कम आएगी, टाइम भी कम लगेगा, मार्केट में उसका सामान सस्ता बिकेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो छोटी इंडस्ट्रीज वाला है वो अपना सामान मार्केट में नहीं बेच पाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट मार्केट में ज़्यादा आ रही है। तो गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे कदम भी उठाए हैं ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बड़ी फर्मों से क्या करा जा सके, बचाया जा सके। अब वो क्या चीज़ें हैं जरा समझते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज से लड़ने की पावर नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास। दे कैन फ्लॉरिश ऑन वेन दे प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लार्ज फर्म, छोटी इंडस्ट्रीज तभी आगे बढ़ सकती है जब उनको बड़ी फर्मों से प्रोटेक्ट किया जाए। सो वेरियस स्टेप वर टेकन बाई द गवर्नमेंट
फॉर दियर ग्रोथ। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं छोटी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए बड़ी इंडस्ट्री से। रिजर्वेशन ऑफ फॉर ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए हैं कि इनको बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बनाएगी, इनको सिर्फ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही बनाकर तैयार करेगी। ठीक है, सबसे तो इससे क्या हो रहा है कि बड़ी इंडस्ट्री जब उस सामान को बनाएगी नहीं तो फिर कॉस्ट की बात ही नहीं आती। वेरियस कंसेशन, इसके अलावा छोटी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बहुत सारे कंसेशन दे रही है, जैसे कि कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे दे रही है, बिजली पानी फ्री में दे दे रही है या बिल्डिंग फ्री में दे दे रही है, बहुत सारे काम छोटी फर्मों के लिए गवर्नमेंट कर रही है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है छोटे यानी स्मॉल फैक्ट्री वालों को, कारखाने वालों को, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि बड़ी फर्मों से वो लोग कंपटीशन से बचे रहे। तो आज की क्लास के अंदर हमने बच्चों पढ़ लिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज इंडस्ट्री में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में डेवलपमेंट के लिए कैसे काम कर रहा है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किस तरीके से गवर्नमेंट बचा रही है बड़ी फर्मों से। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे।